टाइम का तो 10:10 पे है और अभी कोई पता नहीं कि हमारी गाड़ी किस नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो गाइस 45 मिनट लेट हमारी गाड़ी लग रही है अपने प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, तो अभी से यहाँ से ही 45 मिनट लेट हो चुकी है। हमारी गाड़ी अभी 9:28 लेट चल रही है अपने टाइम से। गाइस इस समय मैं खड़ा हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। आज जो मेरी जर्नी होने जा रही है न्यू दिल्ली से प्रयागराज के बीच में होने वाली है, और मैं वहीं बात करूँ आज अपनी जर्नी की, तुम्हारी जर्नी होने जा रही है गाड़ी नंबर 12418 प्रयागराज एक्सप्रेस से होने वाली है, जो कि 635 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 होल्ड के साथ 8:35 कवर करती है। मैं वहीं बात करूं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की स्टेशन कोड की, तो स्टेशन कोड है NDLS और ये इंडिया का बिजनेस प्लेटफॉर्म कैटेगरी में भी आता है। यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 16 है। टाइम का तो 10:10 पे है और अभी कोई पता नहीं कि हमारी गाड़ी किस नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो अभी देख सकते हैं कितना लेट ट्रेन होने वाली हमारी। तो गाइस 45 मिनट लेट हमारी गाड़ी लग रही है अपने प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, तो अभी से ये यहाँ से ही 45 मिनट लेट हो चुकी है। होने वाली है और जो हमारा बोगी है वो S3 है जो कि जस्ट सामने लगा हुआ है। सो गाइस 1:20 हमारी गाड़ी छूट चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अभी आप देख रहे हैं इसका डिपार्चर। बात करूँ वॉशरूम की, तो वॉशरूम काफ़ी क्लीन है, देख सकते हैं यहाँ पे हाथ धोने का, ये भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है, ये ठीक है इस वॉशरूम की। सो गाइस 1:30 लेट हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है गाजियाबाद जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है GZB और यहाँ पे हमारी गाड़ी का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और 2 मिनट बाद हमारी गाड़ी लेगी यहाँ से डिपार्चर। और अभी आप देख रहे हैं ये हमारी गाड़ी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है। Next morning. सात घंटे लेट हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है अलीगढ़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ALJN और वहीं बात करूँ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म के 7 है और इसका जो एक्चुअल टाइम है यहां पहुंचने का 12:00 है, लेकिन ये हमारी गाड़ी मॉर्निंग में 7:00 पहुंची है। और अभी ये देख रहे हैं ये इस ट्रेन की लाइव स्पीड है, क्योंकि कोहरा है जिसकी वजह से इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 ही चल रही है इस समय। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी घड़ी में 10:00 हैं और हमारी गाड़ी पहुंच गई टुंडला जंक्शन, जिसका ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है बट ये यहाँ रुकी हुई है, और हमारी गाड़ी अभी 9:28 लेट चल रही है अपने टाइम से, और इसका प्रयागराज पहुंचने का टाइम था जो एक्चुअल वो है 7:00 और अभी 10:00 है, अभी टुंडला में ही है, और देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको पहुंचने में प्रयागराज को। भाई बहुत ज़्यादा ठंड है और कोहरा ज़्यादा पड़ रहा है ना, तो जिसकी वजह से पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। बाकी जो स्टेशन है टुंडला ये अंडर कंस्ट्रक्शन है देखिए, और ये हमारी ट्रेन खड़ी है भाई ताबड़तोड़ तरीके से पूरी लगी हुई है यहाँ पे, और दे बहुत लेट करने वाली है भाई आज ये ट्रेन।
सो गाइस 10 से 20 मिनट रुकने के बाद अनऑफिशियल हॉल्ट पे निकल चुके टोंडला जंक्शन से इस समय हमारी गाड़ी, और अभी आप देख रहे हैं यह है डिपार्चर। सो गाइस 10 घंटे 30 मिनट लेट हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है कानपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है CNB। और मैं वहीं बात करूँ इसके पहुंचने की टाइमिंग की, तो इसको सुबह 3:50 पहुंचना था और अभी 2:20 हो रहे हैं, तो अभी हमारी ट्रेन यहां पहुंची है कानपुर सेंट्रल। बाकी आप स्टेशन में भीड़ देख सकते हैं भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि इस समय सारी ट्रेन लेट चल रही है, सबका उल्टा टाइम है, तो काफ़ी सारे साथ यहाँ पर वेट भी कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। गाइस 10 घंटे 30 मिनट लेट हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है प्रयागराज जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PRYJ। और वहीं बात करूं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म का, तो यहां पे 10 है और हमारी गाड़ी 10 घंटे 30 मिनट की देरी से यहां पहुंची है। और इसका एक्चुअल जो टाइम था यहां पहुंचाने का वो सुबह 7 था, और अभी घड़ी में 5:20 हो रहे हैं, तो अभी मैं यहां पहुंच गया हूं प्रयागराज जंक्शन। और ये पूरा ट्रेवल जर्नी था, देख सकते हैं कितना ज़्यादा लेट थी ट्रेन, और यही नहीं काफ़ी सारी ट्रेन लेट थी। चलिए गाइस चलते हैं अब, और अब आपको बताते हैं कि अगर आप बाहर यहाँ पे आएंगे तो बाहर आपको किस तरह के होटल मिल जाएंगे, क्या प्राइस मिलने वाले हैं। बाकी जो हमारी गाड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है, मैंने इसी रेलवे स्टेशन के अंदर आपको डोमेट्रिक रूम की फैसिलिटी मिल जाती है, तो मेरे कल की ट्रेन है तो मैंने अपना यहाँ डोमेट्रिक रूम बुक करवा लिया है, जो कि मुझे पड़ा सिर्फ ओनली फॉर 130 रुपीज़ का। तो चलिए आपको आगे वीडियो बताऊंगा कि 135 रुपीज़ में आपको जो डोमेटिक रूम मिलता है उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। और अभी ये देख रहे हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन बाहर का लुक है, और बाहर कुछ इस तरह से यहाँ पे इंजन रखा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए ये पूरा प्रयागराज रेलवे स्टेशन का पूरा लुक है बाहर से। और रेलवे स्टेशन के अंदर आपको IRCTC का भोजन भी मिल जाएगा, जो कि 70 रुपये में मिलता है ओनली। और अभी आप ये देख रहे हैं ये डोमेस्टिक रूम है इंडियन रेलवे का, जहाँ पे आपको सिंगल बेड मिलता है, कंबल मिलता है, और इस तरह से आपको लॉकर मिल जाता है। तो 135 रुपीज़ आपको इस तरह का बेड मिल जाता है सोने के लिए आराम से।